एक्सट्रैक्शन मूवी के पार्ट वन में दोस्तों जिस तरीके से टाइलर रेक को मरते हुए दिखाया गया ऐसा उतना ज्यादा कंफर्म नहीं लग रहा था कि पार्ट टू आने वाला है, लेकिन दोस्तों पार्ट टू में ये सारी चीजें कंफर्म है कि पार्ट थ्री आने वाला है, यानी कि दोस्तों एक्सट्रैक्शन थ्री मूवी आने ही वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी रिलीज डेट के बारे में और क्या कुछ स्टोरी हो सकती है। तो अगर आप इस मूवी सीरीज के एकदम ज्यादा फैन है तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मूवी के पार्ट टू में दोस्तों हम सभी को काफी ज्यादा एक्साइटिंग चीजें देखने को मिली, जिस प्रकार दोस्तों टाइलर रेक ने जो एक्सट्रैक्शन किया है उस जेल से, और दोस्तों उसकी जो एक्स वाइफ भी देखने को मिली, मतलब टाइलर रेक की पर्सनल लाइफ के बारे में हमें काफी कुछ चीजें पता लगी, तो वो दोस्तों देखकर तो लोगों को मजा आ गया। पर्सनली मैं दोस्तों थॉर के कैरेक्टर का काफी ज्यादा फैन हूँ, क्रिस हेम्सवर्थ का, इसी वजह से इस मूवी को लेकर मैं एक्साइटेड रहता हूँ। बात करें दोस्तों एक्सट्रैक्शन थ्री मूवी के बारे में, तो जिस प्रकार की एंडिंग देखने को मिली है भाई ये कन्फर्म है, और रूसो ब्रदर्स की तरफ से इसकी स्टोरी के बारे में अभी कुछ भी बताया नहीं गया है। तो बात आती है रिलीज डेट को लेकर, तो इस मूवी का जब पार्ट वन आया था वो 2020 में आया था, और दोस्तों इसके पार्ट टू को आने में लगभग 3 साल का टाइम लगा है। तो दोस्तों उसी हिसाब से जो रिलीज डेट निकल कर एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि इसके पार्ट थ्री यानी कि एक्सट्रैक्शन थ्री को 2025 से पहले नहीं रिलीज किया जाएगा। तो हाँ दोस्तों आप मानकर चल सकते हैं कि 2025 के समर में लगभग अप्रैल से मार्च के बीच इसका जो पार्ट थ्री है वो आ जाएगा। क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में, टाइलर रेक के कैरेक्टर के बारे में, कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।